जैसे जैसे चुनाव की डेट पास आती जा रही है, वैसे वैसे ही चुनाव प्रचार अभियान में प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में अजमेर से कांग्रेस प्रत्याशी रिजु झुनझुनवाला ने भी अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। झुनझुनवाला ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत अजमेर स्थित जैन दादाबाड़ी में आशीर्वाद लेकर की। वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी उनके साथ दादाबाड़ी पहुंचे। झुनझुनवाला ने जैन मंदिर में पूजा अर्चना की और जैन संतों का आशीर्वाद लिया है। इस दौरान मंदिर में जुटे जैन समाज के लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर दादाबाड़ी में रिजु झुनझुनवाला और मंत्री रघु शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आशीष तिवाड़ी ने। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण की तिथि नजदीक आने के साथ ही प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार अभियान में ताकत झोंक दी है। अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रिजु झुनझुनवाला ने आज जैन दादाबाड़ी में मंदिर में दर्शन कर चुनाव प्रचार अभियान की आज की शुरुआत की है। हमारे साथ मौजूद हैं रिजु झुनझुनवाला जी। सर, आज का जो चुनाव प्रचार अभियान है उसकी आपने शुरुआत की है, कैसा माहौल आप अजमेर में देख पा रहे हैं? जी, बहुत एक शुभ आरंभ किया आज दिन का। वैसे तो हर दिन में हम किसी का आशीर्वाद लेके जाते हैं, लेकिन आज यहाँ दादाबाड़ी आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और मैं मानता हूँ कि भाई जो आज ये काम चालू हुआ है इसको अच्छी दिशा मिलेगी। अजमेर में लगातार दूसरा दिन है आपका और विभिन्न समाजों के जो लोग हैं वो आपका स्वागत कर रहे हैं, कैसा माहौल मिल रहा है, क्या समस्याएं वो अपनी बता रहे हैं? माहौल बहुत अच्छा है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, चाहे गांव में हो या शहर में हो, और ये सारे समाज अगर हमको साथ में मिलके 36 कौम मिलके सपोर्ट अगर कर रही है तो एक बहुत शुभ संकेत भी है। और सबकी समस्या समझ के, सबको क्या पीड़ा है, सबको क्या आगे लेके जाना है और सबको साथ लेके कैसे चलना है, और एक जो हमारा है एजेंडा सिर्फ डेवलपमेंट का, अजमेर की प्रगति और विकास का और रोजगार का, ये सभी को 36 कौमों के लिए ये मायने रखता है और इसीलिए सब सामने आके हमको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। चुनाव प्रचार अभियान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी साथ हैं, उनसे जानते हैं कि कैसा माहौल अजमेर का देख रहे हैं, कैसा माहौल प्रदेश में आप देख पा रहे हैं? देखिए, अजमेर में कांग्रेस पार्टी जीतेगी और 36 कौम के लोगों का आशीर्वाद कांग्रेस के प्रत्याशी रिजु झुनझुनवाला जी को मिल रहा है। मैं गांव में भी घूम रहा हूं, शहर में भी घूमे हैं। 8वां विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस बढ़त लेगी और लोग निराश हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। 5 साल उनको प्रदेश में सरकार दी, 5 साल दिल्ली में दी, बदले में यहाँ कुछ मिला नहीं। जिस तरह से झूठ बोला इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर, 2000 करोड़ रुपये का बजट दिखा के एक सब्ज बाग दिखाने की कोशिश की और खर्च कुछ हुआ नहीं, अजमेर स्मार्ट बना नहीं। हालात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से लोग त्रस्त हैं और वो चाहते हैं कि कोई अच्छा नौजवान जिसके विजन हो अजमेर के विकास का, हम उसको इस बार जिता के लाएं। और रिजु झुनझुनवाला जी ने जिस तरह अपने इरादे जाहिर किए हैं, अजमेर के पीने के पानी की समस्या का मामला हो, अजमेर के औद्योगिक विकास की बात हो, या फिर जो औद्योगिक घराने पूरे देश के अंदर उनका जो 2% कमाई का सामाजिक सरोकार में जो खर्च करते हैं वो पैसा हमारे क्षेत्र में जरूरत है वो लेके आने की, तो अजमेर जिसको औद्योगिक विकास की जरूरत है, हमें तो एक आशा की किरण नजर आ रही है इनकी उम्मीदवारी में। और मुझे उम्मीद है कि अजमेर के लोग प्रबुद्ध लोग हैं, सोच समझ कर मतदान करेंगे। रिजु झुनझुनवाला जी, आप प्रदेश की जिम्मेदारी भी है आपके पास में, स्टार प्रचारक आप हो, पूरे प्रदेश के दौरे आप कर रहे हैं, मिशन 25 को लेकर के आप निकले हैं, क्या लगता है? पिछले चुनाव में 25 सीटें बीजेपी नहीं जीती थी, कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई थी, इस बार क्या लगता है? इस बार बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा क्योंकि मैं 25 सीटों पर गया हूँ खुद, हालत खराब है। प्रधानमंत्री की शक्ल आपने देखी, जैसे चमकता हुआ चेहरा पिछले 2014 में था झूठ बोलते वक्त, अब आज जब देश को निराश कर दिया उन्होंने, लटका हुआ चेहरा देख रही है प्रदेश की जनता हर जगह, मतलब बिलो द बेल्ट देश का प्रधानमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो उसकी गरिमा के खिलाफ है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, सबका होता है, लेकिन जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, गली के नेता भी नहीं करते इस तरह की भाषा इस्तेमाल, इसी का मतलब है कि उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। तो ये थे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, जिन्होंने दावा किया है कि 2014 में जिस प्रकार का रिजल्ट राजस्थान ने दिया था उससे बिल्कुल उलट विपरीत रिजल्ट आने वाला है और 25-0 का स्कोर कांग्रेस का रहने वाला है। कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ आशीष तिवारी, A1 TV अजमेर।